बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम सर, एक क्वेश्चन है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से। ये अभी तक सर 20 मार्क्स का जो है वो आई कैप में पूछा जा चुका है, और इसमें बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक जो है वो 2 सालों पे 2 साल चल चुका है, और एक जो है वो 1 साल चला है। एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसको करके आप पूरा टॉपिक समझ लेते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है। सो दिस इज़ वन क्वेश्चन जिसको आप करके ना अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो अपने। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 2008। इट एंटर्ड इन टू 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 30 जून 2010। यानी सर इस कंपनी ने कुछ दो सालों में इस कंपनी ने सर कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेक किए, ठीक है जी, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेक किए 2 सालों में सर। ये अब तक 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2010 तक काम कर चुकी है। एक कॉन्ट्रैक्ट इसने 2009 जनवरी में स्टार्ट किया और एक 2009 सितंबर में स्टार्ट किया, ठीक है जी। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं टाइमलाइन बनाऊं, इस कंपनी का ईयर एंड जो है वो 30 जून है। तो अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूं सर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ए, तो मैं ये कहूंगा कि सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ए स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2009 पे, और अब तक यानी 30 जून 2010 है ना हमारे पास, 30 जून 2010 तक ये चल रहा है सर। इसका मतलब है बीच में मेरे पास एक ईयर एंड आया होगा 30 जून 2009, ठीक है जी, और एक ईयर एंड मेरे पास है 30 जून 2010। इसका मतलब है सर 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चला और 12 महीने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ चला। सर इसके बरक्स जो मेरे पास प्रोजेक्ट बी है वो स्टार्ट हो रहा है सर 1 सितंबर 2009। तो सर मेरे पास पहला साल सिर्फ आया ही होगा 30 जून 2010 पे, दूसरा फाइनेंशियल ईयर इसमें रिपोर्ट ही नहीं हुआ। और सर 1 सितंबर 2009 से 30 जून 2010 तक कोई 9 मंथ्स का टेन्योर बनता है। इसका मतलब है सर ये कॉन्ट्रैक्ट को 9 महीने चल चुका है अब तक। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को 1.5 साल चल चुका है, 9 महीने चल चुका है। दोनों की आपने अकाउंटिंग करनी है, एक की कंपैरेटिव फिगर्स भी आ रही होंगी, दूसरे में चूंकि कंपैरेटिव फिगर्स है नहीं तो दूसरे में जो है वो सिर्फ 9 महीने का डाटा रिपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है। आए जरा सर मैं सबसे पहले आगे जाऊं सर, मेरे पास मैं कॉन्ट्रैक्ट ए को देखूं तो कॉन्ट्रैक्ट ए स्टार्ट हुआ है सर मेरे पास 1 जनवरी 2009, 2 साल है इसमें। पहले मैं 30 जून 2009 और फिर 30 जून 2010 तक की अकाउंटिंग करूंगा। 30 जून 2009 पे ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक कोई 25% कंप्लीट था और एंड बजा के कोई 50% ये सर 80% तक कंप्लीट होगा। तो सर मैं अगर अगेन अपना वही हिसाब किताब, स्टेप वन सर मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट, तो सर बताएं मेरे पास रेवेन्यू सर कॉस्ट टू डेट और सर मेरे पास फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट रखूँगी। यहाँ पर मेरे पास प्रोविजन फॉर वारंटी का भी चक्कर है तो वो भी मैंने लेना है सर। सर मेरे पास 2009 2010 और इसी तरह सर मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ए का हिसाब किताब होगा और 2010 मेरे पास सर कॉन्ट्रैक्ट बी का भी हिसाब किताब यही होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मेरे पास सर रेवेन्यू कितना है सर, तो रेवेन्यू मेरे पास सर 800 रुपये का यहाँ पर है और 400 रुपये का वहाँ पर है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 800 800 और 400। सर कॉस्ट टू डेट 2009 में अगर मैं देखूँ सर तो मेरे पास सर नीचे काफ़ी सारी कहानियाँ भी लिखी है कि परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन मेथड हम यूज़ करेंगे सर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन निकालने के लिए। सर 10% में कॉन्ट्रैक्ट एडवांस दिया है जो ऐसा ऐसा एडजस्ट होगा, 5% रिटेंशन मनी का क्लॉज दिया हुआ है। सर मेन चीज़ ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमने देखने सर। ये कह रहे जनाब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब ये बात कर रहा है सर 2010 की कि भाई ड्यूरिंग द ईयर ये खर्चा हुआ 2 मिलियन का हमने रिटेंशनशिप फी पे की, जिसमें रिटेनर ने जो वो लीगल एडवाइजर उसने 30% इसके लिए काम किया कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए, 70% कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए काम किया। अब देखिए सर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट पे इनकर हो रहा है तो सर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट ट्रीट करेंगे। लेकिन सर जो रिसर्च कॉस्ट है इसके बाद वाली वो जनरल नेचर की है, वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं हो रही। तो सर ऐसा एडमिन एक्सपेंस जो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक होगा आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाओगे, और जो नहीं है उसको आप क्या करोगे इमीडिएटली जो है वो एक्सपेंस आउट करोगे या देखोगे कि उससे कुछ दूसरा एसेट कैपिटलाइज हो सकता है तो कर दें। रिसर्च कॉस्ट इधर एक्सपेंस आउट होगी क्योंकि सर वो किसी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड नहीं है। जो सर रिटेनरशिप फी है वो लीगल एडवाइस आपने ली है सर 2 प्रोजेक्ट्स के लिए और दोनों पे उसने जो टाइम लिखा है वो एलोकेट हो सकता है, तो दिस इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एडमिन कॉस्ट विच शुड बी द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट।
लेकिन सर चूंकि 2010 में इनकर हुई है तो 2009 से इसका कोई लेना देना नहीं है। वारंटी का प्रोविजन वो कह रहा है कि 5% पर आप बुक करो, ठीक है जी। तो सर अब अगर मैं एक स्टेप दोबारा आगे जाऊँ, मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास कॉस्ट टू डेट कितनी है, तो आप मुझे कहोगे सर 2009 में जो कॉस्ट टू डेट आ रही है सर, वो आ रही है सर कोई 180 रुपए की, ठीक है जी। सर क्या लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक मज़ीद कितना खर्चा होगा? सर वो भी इसने बता दिया 500 रुपए का। सर कोई वारंटी का प्रोविज़न भी है सर इस पर? जी हाँ सर, 5% है तो 800 रुपए का 5% बनेगा कोई 40 रुपए। सर मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट पे 2009 के एंड पे एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, कितने का टोटल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है 80 रुपए का, लेकिन 2009 के एंड पे मुझे प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं देखता हूँ सर 2010 का हिसाब किताब, तो 2010 के बारे में वो ये कह रहा है कि सर हमारे पास होल्ड कीजिए। तो सर अगर हम दूसरे साल का हिसाब किताब देखें तो हमारे पास सर कॉस्ट टू डेट में 2 मिलियन का 30% यानी सर मेरे पास जो 2 मिलियन की अमाउंट है उसके दो हिस्से बनेंगे कॉन्ट्रैक्ट ए को चार्ज होगा 30%, दैट इज़ 0.6, और कॉन्ट्रैक्ट बी को चार्ज होगा 1.4। तो मेरे पास जो कॉस्ट टू डेट आ रही है सर, वो आ रही है जनाब 180 रुपये मैंने 2009 तक खर्च किए थे और मैंने 2010 में 420 रुपये और खर्च किए, तो ये 600 रुपये हो गए। 600 में सर मैं 0.6 ऐड करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 600.6, ठीक है जी। तो अब मैं अगर देखूँ तो सर मेरे पास ये आ रहा है 600.6, ठीक है जी। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरे पास सर बच जाती है कोई 100 रुपये की, जो मैंने मज़ीद खर्च करनी है सर 100, और इसके साथ साथ सर वारंटी का खर्चा भी आगे आएगा 40 रुपये का। तो सर अगर मैं इन सब को नेट करता हूँ जनाब, तो मेरे पास ये बचता है अराउंड कोई 59.4 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है जी। मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बी को देखूँ सर, तो उसमें मेरे पास खर्चा हुआ है कोई 125 रुपये का, लेकिन इस 125 में 1.4 की अमाउंट ऐड होगी जो रिटेनरशिप फी की है, तो ये मेरे पास हो जाएगी सर 126.4, ठीक है जी। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट सर इसके अंदर आ रही है कोई 270 रुपये, ये मैंने डाल दिया सर यहाँ पे, और मेरे पास सर वारंटी की अमाउंट है कोई 20 रुपये की, जो कि 5% ऑफ, तो ये मेरे पास सर बनता है कोई लॉस आ रहा है जनाब, अगर मैं उसको काउंट करूँ तो सर दिस इज 16.2 रुपीज़ का लॉस। तो सर ये एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर मेरे पास स्टेप टू में एग्जामिनर ने स्टेज ऑफ कम्प्लीशन खुद दिया हुआ सर सब जगह, सर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन इधर है मेरे पास 25%, इधर है मेरे पास 80%, और सर मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट बी है उसके अंदर 20% काम कंप्लीट हुआ है, 25% कंप्लीट हुआ है, सर्टिफाइड सर 20% हुआ है, लेकिन सर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन में पूरे 25% लूँगा। सर मेरे पास वर्क सर्टिफाइड लेट होना, ठीक है ना, काम हो चुका, कंप्लीट हो चुका, तो मैं रेवेन्यू अकॉर्डिंगली बुक करूँगा, क्योंकि सर यहाँ पॉलिसी हमारी है कि हम स्टेज ऑफ कम्प्लीशन यहाँ क्लियरली इनफैक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिए कि सर अगर इस तरह का हिसाब किताब आए तो आप कंपनी की पॉलिसी देख लें कि कंपनी वर्क सर्टिफाइड पर रेवेन्यू बुक कर रही है या वर्क कंप्लीटेड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी वर्क कंप्लीटेड पर रेवेन्यू बुक कर रही है, और ये बनता है सर अराउंड कोई 25% काम हो, ठीक है जी। सर अगर मैं स्टेप थ्री पे जाऊँ और मैं एज एट पीएमएल बनाने जाऊँ, तो सर मेरे पास एज एट पीएमएल में सबसे पहले सर मैं स्टेज ऑफ कम्प्लीशन से बुक करूँगा रेवेन्यू। सर स्टेज ऑफ कम्प्लीशन से 800 का 25% सर मेरे पास 200 होगा, 800 का 80% मेरे पास 640 होगा, और 400 का 25% मेरे पास 100 रुपये होगा, ठीक है जी। अब मैं सर प्रॉफिट या लॉस का एक मेजर ले लूँ सर, 80 का सर ये मेरे पास 20 रुपये का प्रॉफिट आएगा। सर मेरे पास 80% के एक हिसाब से जो 59.2 है ये बनेगा सर 47.52, और सर ये मेरे पास आ रहा होगा 4.05 का लॉस, तो मैं उसको ऐड बैक कर रहा हूँ सर। अब इसका मतलब है सर मुझे कॉस्ट चार्ज जो चार्ज करनी चाहिए 180 रुपये इधर करनी चाहिए सर, यहाँ मुझे करनी चाहिए 592.48, और यहाँ आना चाहिए सर 104.5, ठीक है जी। ये मेरे पास सर तीनों एसेट पीएनएल बन गए। अब अगर सर मैं स्टेप फोर में जाऊँ और मैं बनाऊँ सर फॉर द ईयर पीएनएल, तो सर मेरे पास फॉर द ईयर पीएनएल में रेवेन्यू, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट ए का पहला साल है 200, अगले साल मैं देखूँ तो सर 440, ठीक है जी, और सर मेरे पास यहाँ रेवेन्यू 100 रुपये का। सर मेरे पास कॉस्ट चार्ज सर इधर तो 180, इधर सर इन दोनों का डिफरेंस वुड बी 412.48, सर यहाँ मेरे पास आ रहा है कोई 104.5,
5, ठीक है जी। कॉस्ट चार्ज के बाद सर मेरे पास आ रहा है प्रोविजन फॉर लॉसेस, ठीक है जी। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है सर, इधर मेरे पास प्रोविजन बनाना पड़ेगा मुझे इतना कि मेरे पास यहाँ ग्रैंड लॉस 4.05 की 4.5 की 104.05 है सर। ये सर यहाँ मेरे पास आएगा सर कोई 12.15 का लॉस प्रोविजन मैंने बुक करना है ताकि मेरे पास लॉस आ सके सर इधर 16.2 का, ठीक है जी। अब यहाँ सर मेरे पास ₹20 फॉर द ईयर प्रॉफिट है, इधर मेरे पास सर कोई प्रॉफिट आ रहा है सर 27.52, ठीक है जी। ये मेरे पास सर फॉर द ईयर पीनल बन गया। सर मैं जा रहा हूँ स्टेप 5 पे, मैं बना रहा हूँ सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का डाटा। सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में सबसे पहली चीज़ सर मैंने ये चेक करना है बिलिंग मैंने कितने की है। सर बिलिंग 100% हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो अनपेड बिल्स के बारे में बात कर रहा है सर, इसका मतलब है इस बंदे ने बिलिंग पूरी की है, ठीक है जी। तो मेरे पास सर अनबिल्ड नाम का रेवेन्यू, अनबिल्ड सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट ए 2009 2010 और मेरे पास सर बी का 2010। सर मेरे पास अनबिल्ड रेवेन्यू कुछ भी नहीं सर। नंबर टू सर मेरे पास इन्वेंट्री या WIP, ठीक है जी। सर देखिए मेरे पास WIP पहले साल मेरे पास सर कॉस्ट इनकर्ड जो आ रहा है वो ₹180 का आ रहा है, ठीक है जी। और मैंने सर कॉस्ट चार्ज भी 180 की है, तो इन्वेंट्री जीरो है। सर अगर मैं दूसरे साल में देखूँ तो मेरे पास सर कॉस्ट इनकर्ड है एज एट 600.6 का, और सर मेरे पास यहाँ कॉस्ट चार्ज हुआ 592.48 का। तो सर अगर मैं दो चीज़ों को नेट करूँ, 600.6 - 592.48, तो सर मेरे पास रेवेन्यू बनता है 600.6 - 592.48, तो ये मेरे पास आता है सर अराउंड कोई ₹8.12 का अमाउंट सर इन्वेंट्री आ जाएगी मेरे पास इधर ₹8.12, ठीक है जी। और ये मेरे पास आई है सर 600.6 - 592.48। सर मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट बी है इसमें 2010 में मेरे पास सर कोई ख़र्चा हुआ जनाब ₹100 का, कॉस्ट टू डेट मेरे पास 126.4 है, और सर मेरे पास कॉस्ट चार्ज हुई 104.05, तो सर मेरे पास 126.4 - 104.05 सर ये मेरे पास बनता है कोई 22.15 का अमाउंट सर इन्वेंट्री आ गई। सर मैं एडवांस लाइबिलिटी के तौर पे देखूँ, अगर मैंने सर रेवेन्यू इधर बुक किया है बिलिंग की है ₹200 की सर, तो मेरे पास एडवांस था कोई इनिशियली ₹80 का, मैंने सर ₹20 का हिसाब किताब एडजस्ट कर दिया, ₹60 का एडवांस रह गया। सर इधर मेरे पास 80 में से रेवेन्यू टोटल बुक हुआ है सर 640 का, 640 का मतलब है ₹64 का एडवांस एडजस्ट हो गया, तो ₹16 का एडवांस रह गया, लाइबिलिटी है सर ये। और मेरे पास सर यहाँ पर मैंने कोई एडवांस लिया था सर ₹40 का, और मेरे पास सर इधर जो एडजस्टमेंट हुई है सर वो ₹100 का रेवेन्यू के हिसाब से ₹10 की हुई है, तो सर मेरे पास यहाँ आ रहा है कोई ₹30 का एडवांस, ठीक है जी। सर मेरे पास नंबर 4 अनकलेक्टेड बिल्स, ठीक है जी। चलें जी सर अगर मैं अनकलेक्टेड बिल्स देखूं तो सर मेरे पास अनकलेक्टेड ग्रॉस बिल्स इधर आ रहे हैं ₹140 का। अच्छा हर बिल में से हमें 85% पे होता है, बाकी रिटेंशन मनी में चला जाता है। तो सर यहाँ कोई अनकलेक्टेड बिल्स नहीं थे, इधर अनकलेक्टेड बिल्स हैं कितने के सर ₹100 के, तो इसमें सिर्फ 85% ही रिकवर होगा, ₹85 ये मेरे पास सर रिसीवेबल है, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है। सर पाँचवीं चीज़ जो मेरे पास बन रही है वो बन रहा है सर मेरे पास रिटेंशन मनी का। रिटेंशन मनी सर मेरे पास इधर मैंने रेवेन्यू बुक किया है ₹200 का, तो सर ₹10 का रिटेंशन मनी है, इधर 640 है तो मेरे पास सर ₹32 का रिटेंशन मनी है, और सर इधर मेरे पास ₹100 पे ₹5 का रिटेंशन मनी है 5% के हिसाब से। सर मेरे पास छठी चीज़ है प्रोविजन फॉर लॉसेस यानी ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो आ रहा है सर 12.15 के करीब का, ठीक है जी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। जज़ाकअल्लाह खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे।